नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे निकोटिक्स च्युइंगम्स जो मार्केट में आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप नशे की लत को या स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। दोस्तों, माई सेल्फ धर्मेंद्र फार्मासिस्ट, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। मैं इस चैनल पे आपको फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो देता रहता हूँ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी देता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये निकोटिक्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स, ये जो निकोटिक्स होता है एक प्रकार की ड्रग होती है। इसमें निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसका अगर हम मेन इंग्रेडिएंट देखें कि इसमें मेन कंपोजिशन क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसमें निकोटीन पोलाक्रिलेक्स होता है। फ्रेंड्स, ये क्या करता है, जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनकी लत को छुड़ाने में ये च्युइंगम्स जो होते हैं, निकोटिक्स होते हैं, ये मदद करता है। फ्रेंड्स, ये मार्केट में आपको 2 mg और 4 mg में मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो ये निकोटिक्स च्युइंगम्स आते हैं मार्केट में, ये आपको इस्तेमाल कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आप एक निकोटिक्स च्युइंगम को लीजिए, अपने मुंह में रखिए और उसे तब तक चबाइए जब तक आपको उसके फ्लेवर की अनुभूति ना हो। जब आपको लगने लगे कि फ्लेवर आ गया है तो अपने गाल के बीच में इसे रख लीजिए। जब इसका फ्लेवर खत्म हो जाए तो फिर चबाइए। फिर से जब फ्रेंड्स फ्लेवर आ जाए तो फिर से अपने गाल के बीच में रख लीजिए। ये प्रक्रिया आप तब तक दोहराते रहिए जब तक इसका फ्लेवर पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता। ये प्रक्रिया आप 30 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। दोस्तों, इस निकोटिक्स का उपयोग करने से पहले और बाद में, 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में कुछ भी आपको खाना पीना नहीं है। अब हम इसके खुराक के बारे में बात कर लेते हैं, डोज के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, पहले 6 सप्ताह तक आप कम से कम रोजाना 6 च्युइंगम्स का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, याद रहे कि एक दिन में 24 से ज्यादा च्युइंगम्स का उपयोग नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको निकोटीन से किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो इस निकोटिक्स च्युइंगम्स का उपयोग नहीं करना है। अगर आपको लीवर से या फिर किडनी से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है तो इस निकोटिक्स का उपयोग करने से आप बचें। अगर आपको दिल से जुड़ी कोई बीमारी या पेट में पेप्टिक अल्सर है तो आप इसका इस्तेमाल करने से बचें। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में, कि कौन कौन से साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपको उल्टी जैसा लग सकता है, उल्टियां हो सकती हैं, दस्त लग सकती है, आपके सीने में जलन हो सकती है आपके। ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में आपको ये किस नेम से मिल जाएगा। दोस्तों, ये आपको सुगर फ्री मिंट प्लस च्युइंगम्स के नाम से मिल जाएगा। तकरीबन 9 च्युइंगम्स आपको 96 रुपए के मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएंगे। स्मोक फ्री च्युइंगम्स के नाम से आपको ये 4 mg का किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।